ऐसी बात है तो तुम चिंता नहीं करो। सहेलियां बोले कन्हैया कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा भगवान श्याम सुंदर बोले हैं सहेली तुम चिंता नहीं करो। सुंदर कहने लगे गोपियों तुम चिंता, भगवान श्याम सुंदर से गोपियों ने कहा है तुम हमारे साथ में महाराज करो। श्याम सुंदर कहने लगे हैं चिंता नहीं करो क्योंकि वो समय आने दो, और जब वो समय आएगा तो हम तुम्हारे साथ में महाराज अवश्य करेंगे। उसी समय भगवान कन्हैया सोचने लगे हैं गोपियां मानेंगी नहीं, योग माया से इशारा किया है भगवान श्याम सुंदर ने। भगवान कन्हैया ने कहा है यमुना किनारे जाके सुंदर सी बनाओगी, करिए कमला के पास में ले आओगी, और सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले हो किया। योग माया चली यमुना के किनारे, बहुत सुंदर जगह बनाई है, और इतनी जगह सुंदर बनाई है वहां जाकर के इतनी सुंदर जगह बनाई, यह मालूम पड़ता है चारों तरफ चंद्रमा खुद खुद पहरेदारी कर रहा है। इतना प्रकाश था वहां, इतनी फुलवारी लगी हुई थी। भगवान से हम सुंदर पहुंचे वहां, भगवान कन्हैया ने देखा, और जैसे ही देखा उस जगह को ।
भगवान श्याम सुंदर पहुंचे हैं वहां। पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा बहुत सुंदर जगह थी वहां। कैसी थी? उसी समय भगवान कन्हैया पहुंचे वहां, रुपाने गया भगवान श्याम सुंदर पर, बंसी निकाली बजाने लगे। जैसी थी वैसी बहुत कड़ी, उसने जान भी नहीं पाया। जैसा श्रृंगार किया वैसा ही श्रृंगार लेकर के भागने लगी। कोई गोपी रोटी कर रही है, एक हाथ में रोटी है और एक हाथ खाली है, वैसी भाग दे। एक गोपी ने एक आंख में काजल लगा लो, एक आंख की सुत्ती ना, वैसी भाग दे। काऊ ने हाथन की चूड़ी पायन में पहन ली, काऊ ने पान की पायल हाथन में पहन ली, कुछ ध्यान ही नहीं। ऐसी बंसी बजाई भगवान श्याम सुंदर ने, अरे ऐसी बजाई गई ऐसी, अरे ऐसी बजाई गई, और गोपी को ध्यान नहीं है कि हम करें क्या है आलोक बाबू। वहां किसी के नाम में कुंडल बुला चुका मन में, किसी के नाम में कुंडल बुला चुका मन में, किसी के होटल में I'm not afraid to die।
कथा है वहां गोपियन की, उल्टे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली कहने को, बहुतेरा रोका पतियन ने राजी न भई बे रहने को। एक भी गोपी वहां नहीं रुकी, भगवान श्याम सुंदर की बंसी की धुन सुनी तब उनके पतियों ने रोका लेकिन ना रुकी, भागने लगी। और जब भागने लगी हैं, पहुंच गई हैं वहां जब महाराज हो रहा है यमुना के किनारे। अब वहां जाकर के उन गोपियों ने कहा है, श्याम सुंदर मैंने तुम्हारी बंसी की धुन सुनी, भागी चली आई, लेकिन अब महाराज करो। श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों अभी नहीं, अभी नहीं, वो वक्त आने दीजिए। गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर नहीं, ऐसा नहीं। क्यों बोली है गोपियां कि चल मैं ना आऊंगी, श्याम सुंदर चल मैं ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया है, जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप बनाए वहां।